हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। माई सेल्फ दिनेश यादव। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 के बच्चों का हिंदी गद्य से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, लेकर आ चुके हैं। इससे पहले मैं दो वीडियोस प्रोवाइड पहले कर चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 के बच्चों के लिए काफी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2022 के बच्चों के लिए काफी हेल्प दिया जाएगा इस चैनल से। तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आज की इस वीडियो में देख सकते हैं हिंदी गद्य से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इस मतलब गद्य से जैसे क्वेश्चन पूरा समाप्त हो जाता है, तो मैं पद से जितने भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो भी वीडियो के द्वारा प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद गद्यांश को कैसे हल करना है, पद्यांश को कैसे, कवियों का जीवन परिचय, लेखकों का जीवन परिचय, और हिंदी में संस्कृत अनुवाद कैसे करते हैं, सब कुछ एक एक चीज को हिंदी में बहुत ही अच्छे से तैयार करा देंगे। आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है यहाँ पर, कि हरिशंकर परसाई की रचना है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं। पहला कल्प वृक्ष, और दूसरा है धरती के फूल, और तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं तब की बात और थी, और घन नंबर लिखा है मेरे विचार। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ इसका जवाब सही क्या है, कि हरिशंकर परसाई की रचना है, इन चारों में से उनकी रचना कौन से, तब की बात और थी, ये देख रहे हैं ना, घन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब सुनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो की आप देख सकते हैं दो नंबर। हिंदी में क्या है ना, कि हिंदी में ये तो याद करने वाली चीज है, इसमें कोई मैथ वगैरह और फिजिक्स तो है नहीं कि इसमें ट्रिक बताएं और फॉर्मूला का अकॉर्डिंग शो करना है। इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, अपने दिमाग में फिट करना पड़ेगा। एक एक चीज को अगर अच्छे से दो तीन बार रिवाइज करते हैं तो हमेशा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो इसमें कोई ट्रिक की बात नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा हिंदी। आप देख सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, कि भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता कौन है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है कौन नंबर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, अब यहाँ पर देखिए अमृत राय जी हैं, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कि राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता हमारे कौन है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। ठीक है, इसको याद ही करना पड़ेगा, कोई इसमें ट्रिक नहीं है कि आपको ट्रिक बताया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर थर्ड नंबर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। यहाँ पर देखिए परीक्षा गुरु, इस परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, चार ऑप्शन दिया है यहाँ पर, लेखकों का नाम दिया है। यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कि सदर मिश्र जी हैं, कि इसमें से आप देख सकते हैं लक्ष्मण सिंह जी हैं, कि लाला श्रीनिवास दास जी हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए इस तीन नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। यहाँ पर देखिए लाला श्रीनिवास दास जो दिख रहा है, ये चार नंबर ऑप्शन, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें चार नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, कि संस्मरण विधा की रचना है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, संस्मरण विधा है और इसकी रचना है। अब यहाँ पर देखिए क नंबर ऑप्शन दिया है, दीप जले शंख बजे, और इसके बाद ख नंबर है बजे पायलिया के घुंघरू, ये हो गया इसका ख नंबर ऑप्शन। यहाँ पर ग नंबर देखे अरे यावर रहेगा याद, ये रहा तीसरा ऑप्शन। अब इसके बाद चार नंबर देखिए तब की बात और थी, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, क नंबर, देखिए क नंबर जो है सही मतलब राइट आंसर है, दीप जले शंख बजे, ये हो गया इसका राइट आंसर। अब ध्यान दीजिए फाइव नंबर क्वेश्चन की तरफ सुनते हैं, क्या लिखा है फाइव नंबर, कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा कौन से लेखक हैं, तो भीष्म साहनी जी हैं, कि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी हैं, अब यहाँ पर देखिए ग नंबर है ऑप्शन, सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अग्रे जी हैं। इसमें से राइट आंसर कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चौथा नंबर यहाँ पर ऑप्शन है प्रेमघन, तो कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में बताए। तो देखिए शेखर एक जीवनी का लेखक, एक ग नंबर ऑप्शन जो दिख रहा है सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन, ये हो गए हमारे अग्रे जी, ये हमारे हो गए किसके राइटर, तो हमारे शेखर एक जीवनी के राइटर हो गए लेखक। तो देख सकते हैं छह नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, मोहन राकेश की रचना नहीं है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है, इस चारों में से देखना है कि कौन सा मोहन राकेश की रचना नहीं है। ध्यान दीजिए क नंबर ऑप्शन है, कि लहरों के राज हंस,
और ख नंबर लिखा है बकलम खोज और ग नंबर लिखा है तट की खोज और घ नंबर लिखा है समय सारथी। तो इसमें चारों में से कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मोहन राकेश की रचना नहीं है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए मोहन राकेश की रचना नहीं है इन चारों में से, ग नंबर जो दिख रहा है तट की खोज, तट की जो खोज दिख रहा है ना ये मोहन राकेश की रचना नहीं है, ठीक है। और इसका कोई ट्रिक नहीं है, हिंदी में देख सकते हैं, ऐसे आपको याद करना है कि और जो दिख रहा है और ये सब मोहन राकेश की कुछ इसमें से रचना है, बट ये जो तट की खोज है ये मोहन राकेश की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, सात नंबर क्या लिखा है इसमें कि आखिरी चट्टान की रचना विधा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, आखिरी चट्टान की रचना विधा है, ध्यान दीजिए ऑप्शन क्या लिखा है, संसमरण और यहाँ पर लिखा है यात्रा वृतांत और यहाँ पर लिखा है उपन्यास और यहाँ पर घ नंबर लिखा है कहानी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आखिरी चट्टान की रचना विधा है तो ध्यान दीजिए यात्रा वृतांत जो है ना यही यात्रा वृतांत आखिरी चट्टान की रचना विधा है, ओके। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आठ नंबर क्या लिखा है कि वसुधा, यहाँ पर ध्यान दीजिए वसुधा नामक पत्रिका का संपादक संपादन प्रकाशन किया था, किसने किया था, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, वसुधा एक पत्रिका है और इस पत्रिका का संपादन प्रकाशन किसने किया था, ऑप्शन लिखा है यहाँ पर क नंबर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने, यहाँ पर ख नंबर लिखा है हरिशंकर परसाई ने किया था, यहाँ पर ग नंबर लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था कि यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार ने किया था, कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा, ख नंबर यानी कि हरिशंकर परसाई, यहाँ पर देख सकते हैं आठ नंबर का आंसर क्या होगा, हरिशंकर परसाई होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, यहाँ पर लिखा है नौ नंबर कि प्रेमचंद्र का उपन्यास है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में यहाँ पर उपन्यास पूछा है और प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास है चारों में से, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है तितली, इसके बाद है कंकाल, इसके बाद है गोदान, इसके बाद है त्यागपत्र, इन चारों में से प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास है कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो प्रेमचंद्र का उपन्यास गोदान ही है, ठीक है ना, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो दिख रहा है ये करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दस नंबर लास्ट है क्वेश्चन इस वीडियो का और लास्ट तक रुकेगा रहिएगा, लास्ट में एक बात कहना, पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर कि पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा है और यहाँ पर ऑप्शन लिखा है आत्मकथा है कि जीवनी है कि यात्रा वृत्त है कि उपन्यास है, कमेंट करके इसका आंसर आप बता सकते हैं अगर आपको याद है तो। पैरों में पंख बांधकर कृति विधा ये क्या है, यात्रा वृत्त है, क्या है, यात्रा वृत्त, यानी ग नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अब देखिए मैं बता देता हूँ ऐसे ही हर एक गद, मतलब ये तो गद चल रहा था ना, गद जैसे ही खत्म होता है तो पद का जितने भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और देखिए जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लेक्चर दिया जाता है उसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, वहां से भी इस वीडियो को टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।